सब्सक्राइब कीजिए फाइन इन्वेस्टमेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट शेयर मार्केट अपडेट्स पाने के लिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बारविक नेशन के आईपीओ में पहले दिन तक कितना सब्सक्रिप्शन हो चुका है, और साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर इस आईपीओ को इग्नोर करना चाहिए। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, बारविक नेशन का जो आईपीओ है वो 24 मार्च यानी आज से ओपन हो चुका है अप्लाई करने के लिए, और 26 मार्च इसकी लास्ट डेट होने वाली है। वहीं प्राइस बैंड की बात करें तो करीब 498 से 500 के बीच इसका प्राइस बैंड रखा गया है, यानी कि 500 रुपए का आपको एक शेयर मिलने वाला है। वहीं लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट में करीब 30 शेयर्स आपको मिलेंगे। वहीं रिटेल कैटेगरी के हिस्से की बात करें तो करीब 10% यहां पर रिटेल कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन रखा गया है। चूंकि आज इसके सब्सक्रिप्शन का पहला दिन था तो यहां पर पहले दिन का सब्सक्रिप्शन डेटा हमारे पास आ चुका है, तो चलिए देख लेते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं क्यूआईबी कैटेगरी में करीब 0.37 टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है, और अगर NII कैटेगरी में बात करें तो 0.07 टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है, यानी कि इन दोनों ही कैटेगरी में काफी कम सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। देखिए, मैं आपको हमेशा बताता हूं कि इन दोनों ही कैटेगरीज में अगर आईपीओ अच्छा होता है तो लास्ट दिन यानी कि आईपीओ सब्सक्रिप्शन के तीसरे दिन ही सबसे ज्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है, तो इसकी आपको चिंता नहीं करनी है। अगर आईपीओ अच्छा होगा तो ऑब्वियसली यहां पर तीसरे दिन सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी हो ही जाएगा। वहीं रिटेल कैटेगरी की बात करें तो करीब 6.14 टाइम्स यहां पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। अब देखिए, इसके आंकड़ों पर ना जाएं इसलिए क्योंकि यहां पर मात्र 10% शेयर ही रिजर्व हैं, तो यहां पर अगर थोड़ा भी सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा तो आंकड़ों में आपको ज्यादा दिखेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे कि यहां ज्यादा दिख रहा है, 6.14 टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हो गया है रिटेल कैटेगरी में। वहीं एम्प्लॉय कैटेगरी की बात करें तो 0.41 टाइम्स यहां पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, और वहीं ओवरऑल बात करें तो करीब 1.33 टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हो गया है, यानी कि पूरा फुल तो भर ही गया है, यहां पर 0.33 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन भी देखने को मिल रहा है। अब देखिए, रिटेल कैटेगरी में जिस तरह से यहां पर सब्सक्रिप्शन हुआ है, ऐसा लग रहा है कि लोग यहां पर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं इस आईपीओ को लेने के लिए। अब देखिए, इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है, यह सबसे बड़ा सवाल है। अब देखिए, मैंने जब इस आईपीओ का रिव्यू आपको बताया था तो कंपनी पिछले 4 सालों से यानी कि 2020 19 18 और 17 चारों साल में कंपनी को भारी भरकम लॉस का सामना करना पड़ा है, और सबसे ज्यादा जो लॉस हुआ है वो कंपनी को इसी क्वार्टर में हुआ है, यानी कि 2020 के जो पहले 6 महीने थे यानी कोरोना के बाद वाले जो 6 महीने थे उसमें कंपनी को काफ़ी ज़्यादा लॉस का सामना करना पड़ा है। क्योंकि कंपनी देखिए रेस्टोरेंट से रिलेटेड कंपनी है, और देखिए कोरोना के टाइम में सारे रेस्टोरेंट बंद हो गए थे, जिसके कारण इस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा। और फाइनेंशियल में साफ साफ आपने देखा होगा कि जो सारे ग्राफ थे, जो प्रॉफिट्स के या जो रेवेन्यू के सारे ग्राफ्स आपको नीचे की तरफ नज़र आ रहे थे, यानी कि इसका जो प्रॉफिट है वो आपको नेगेटिव में देखने को मिला था। तो अगर हम फाइनेंशियल के हिसाब से देखें तो इस कंपनी में आपको लिस्टिंग गेन के लिहाज से बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना चाहिए। दूसरा फैक्टर अगर देखें मार्केट का माहौल, तो मार्केट का माहौल भाई अच्छे अच्छे आईपीओ को बिगाड़ के रख दे रहा है, तो माहौल के हिसाब से भी आपको इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है। तीसरी बात है यहाँ पर जो है सब्सक्रिप्शन, तो देखिए सब्सक्रिप्शन तो आप देख ही रहे हैं, पहले दिन 1.33 टाइम्स हो गया, और मुझे लगता है यहाँ पर सब्सक्रिप्शन अच्छा भी होगा, अलॉटमेंट भी मिल जाएगा, फिर भी यहाँ पर जो है लिस्टिंग इतनी ख़राब हो रही है कि लोग लॉस में निकलने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए सब्सक्रिप्शन के लिहाज से भी मैं सोच रहा हूँ इसको इनिशियल गेन यानी लिस्टिंग गेन के लिए इसमें बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना चाहिए। अब देखिए मार्केट का माहौल अगर उस दिन तक अच्छा हो जाता है, क्योंकि अभी इसकी लिस्टिंग काफ़ी है, कम से कम 7-8 दिन तो होंगे, तो तब तक अगर माहौल ठीक होता है तो निश्चित रूप से इसमें थोड़ा बहुत गेन मिलेगा, उससे आपको अफसोस नहीं करना है। क्योंकि जो अच्छे अच्छे आईपीओज हैं, जैसे अनुपम रसायन का आईपीओ आज उसमें काफी ज्यादा जो है लॉस सामने आया, मतलब लिस्टिंग जो है डिस्काउंट प्राइस पर देखने को मिली और काफी लोग इसमें लॉस लेकर भी निकल गए। तो देखिए मार्केट का माहौल ही खराब है जिसके कारण आईपीओज की लिस्टिंग ठीक नहीं हो रही है। देखिए पॉजिटिव पॉइंट इसके क्या क्या है, इसमें राकेश झुंझुनवाला है जो उसका मतलब उन्होंने इसके शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। वहीं अगर बात करें लॉन्ग टर्म के लिहाज से, तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से इस कंपनी को खरीदा जा सकता है, लेकिन आप इसको तभी खरीदें जब आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो 3 साल 2 साल का है। अगर 21 साल का है तो भी इसको ना खरीदें, ये आपको मुझे लगता है लिस्टिंग के बाद
₹500 से भी कम दाम पर मिल सकता है। देखिए, अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ है, क्योंकि आपने देखा होगा कि मार्केट में इतनी ज़्यादा गिरावट है कि रियल मार्केट में कोई इसको नहीं खरीद रहा है, कोई भी शेयर उसको नहीं खरीद रहा है, तो भाई ग्रे मार्केट में कौन ही इसके ऊपर दाव लगाएगा, क्योंकि सारे IPO चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों डिस्काउंट प्राइस पर ओपन होते हुए देख रहे हैं। इजी ट्रिप का जो IPO है जहाँ डबल गेन मिलना था वहाँ डिस्काउंट प्राइस पर तो ओपन नहीं हुआ, 10% पर हुआ, लेकिन आज वो डिस्काउंट पर चला गया। वहीं इसका देखें तो ये भी 7-8% के डिस्काउंट प्राइस पर है, तो सारे ही IPO नेगेटिव ओपन हो रहे हैं। और जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि बाकी जो IPOs हैं उनमें भी आपको थोड़ा बहुत अंतर देखने को ज़रूर मिलेगा। और देखिए, जिस तरह से इसके फाइनेंशियल है, मैं तो इस IPO में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करने वाला हूँ। बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, देखिए यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है सब्सक्रिप्शन में, लेकिन मेरा जहाँ तक सवाल है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इस IPO में आपको बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। बहुत सारे अच्छे अच्छे IPOs आएंगे, शेयर भी होंगे। आप देखिए अडानी पावर आज से 3 हफ्ते पहले तक मात्र ₹56 में मिल रहा था, आज उसका प्राइस ₹106 हो गया, ₹50 बढ़ गया, यानी कि लगभग 90% का गेन तो उसमें भी मिला। तो आप किसी शेयर को खरीद लीजिए जो अच्छा बढ़ने वाला है, मैं आपको सजेस्ट तो करता ही रहता हूँ। अगर आप बोलोगे तो मैं आपके लिए शेयर के वीडियो भी बनाऊँगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि मैं बनाऊँ या ना बनाऊँ। अगर मैं बोलेंगे तो मैं उसके बारे में भी बताऊँगा। अच्छे अच्छे शेयर हैं, CG पावर है, उसको खरीद लीजिए। कभी कुछ दिन पहले ₹39 का मिल रहा था, आज ₹68 का हो गया। तो देखिए, बहुत सारे शेयर हैं जो आपको डबल करके पैसा दे रहे हैं मात्र 1 से 2 महीने में। तो क्यों आप IPOs के चक्कर में पड़े हुए हैं? जब IPOs में गेन मिलने लगेगा तो हम IPOs भी खरीदने लगेंगे। देखिए, IPOs मुझे नेगेटिव लिस्टिंग के संकेत मुझे मिल रहे हैं, इसलिए मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप इस IPO में अप्लाई ना करें। बाकी आप कुछ समझदार हैं, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर होंगे, आप उनसे जाकर पूछिए इस IPO में आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लिस्टिंग गेन मिले या ना मिले, शॉर्ट टर्म में आपको अगर लिस्टिंग गेन चाहिए तो इस IPO में अप्लाई ना करें, मेरी पर्सनल राय है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।